तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने सेटअप के ऊपर और अभी मैं कबूतरों के केज में हूँ। और कल मैं डक लाया था, वो देखिए वो भी शोर मचा रही है। अभी बाहर निकालूंगा उनको, तो अभी पहले कबूतर जो है ना वो उनको बाहर निकालना। खोल दिया है फातिमा, आप साइड की जो जानी, तो इनकी नेस्टिंग वगैरह को भी चेक कर लेते हैं। काफ़ी नेस्टिंग की हुई है आज फ्रेंड्स। मैं इसमें ना ज़्यादा घास फेंकूंगा और ला के, ताकि ये कबूतर अंदर से ही नेस्टिंग करें। दो जो है ना वो नेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, एक ने यहाँ पे की हुई है और एक नीचे भी जो है ना वो नेस्टिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह भी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट है, तो ये भी करेंगे। इनको खोल दिया है तो इनको दाने भी डालेंगे। कबूतरों का दाना डालता हूँ, उसके बाद जो है ना बाकी पिंजरों की तरफ जाएंगे और देखेंगे। रात को बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा, और इसका ये फ़ायदा हुआ है कि लॉन को पानी भी नहीं लगाना पड़ेगा। माशाल्लाह देखें, यहाँ पे तो घास थोड़ा कम ही है, लेकिन वो सामने घास बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसी तरह इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये सारा जो है ना लश ग्रीन हो जाएगा, फिर इसकी कटिंग वगैरह करके बहुत ही अच्छा लगेगा। दाना मैंने जो है ना कबूतरों का डाल दिया, अभी ये यहाँ पर खाते रहेंगे। अब चलते हैं डक की तरफ। और ये जो डक कल हम लेके आए थे, माशाल्लाह देखें, और सरप्राइज़ आया कि डक ने अंडा भी दे दिया। और मुझे मुमताज़ भाई ने बताया था कि ये अंडे दे रहे हैं और ये रात को ही अंडा देती है, और ये जो है ना आज भी अंडा देगी। तो ये देखें, इसने अंडा दिया हुआ है, अब ये हम जमा करेंगे माशाल्लाह। और इंशाल्लाह फिर जब ये बैठेगी तो फिर अंडे या इसके नीचे ही रख देंगे, या फिर इंक्यूबेटर वगैरह में रखेंगे। वो भी मुमताज़ भाई के पास आया तो उन्हीं को देंगे, तो वो हमें बेबीज के जो है ना जब निकले तो वापस दे देंगे। तो नहीं, उस बेटा बर्तन अंदर ही रख दो ना। तो इज़ा जो है वो मेरी हेल्प कर रही है, कबूतरों को जो है ना फीड करा रही है और पानी शानी रख रही है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा एज है कि मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा शौक है परिंदों का, तो वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अभी इनको बाहर निकालते हैं और कोशिश करूंगा कि दाना मेरे हाथ में है तो मेरे हाथ से खाएं। तो अभी खोलता हूँ और देखते हैं क्या करते हैं। ये देखिए, मुझे चूनिये मार रही है और दाना निकाल रही, हाथ से खाए तो फिर मजा है ना। देखिए बाजरा ये खा रही है लेकिन मेरे हाथ से नहीं खा रही। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इनको हाथों में खिलाएंगे तो ये भी जो है ना हमारे साथ टेम हो जाएंगे। तो जब टेम होंगे तो ही मजा आएगा। तो इनको ज़्यादा तंग नहीं करते, यहाँ पे फेंक देते हैं, ये खुद खा लेंगे। तो ये देखिए दोनों बाहर आ गए। देखें ये जो है ना इधर से अर्थ वॉर्म और ये जो चूंटियां हैं ये पकड़ पकड़ के खा रही हैं। तो इसका ये हमें फ़ायदा होगा हमारे लॉन में कि कम से कम ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आएंगी। मुझे पहले भी भाई ने बताया था कि ये ज़्यादा यही चीज़ें पसंद करती हैं। ये देखिए अभी कीड़े मकोड़े खा रही हैं ये सारे, तो ये भी फ़ायदा है कि ये हमारा लॉन साफ रखेंगे। अल्लाह ताला ने और कामयाबियाँ दी हैं। कबूतर सामने घूम रहे हैं और अभी तक डव ने कोई नेस्टिंग नहीं की, तो शायद मुझे ये नेस्टिंग चेंज करनी पड़े। अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक दो दिन देंगे, अभी तो इनको आदत नहीं है। पहले तो ये नीचे बैठी होती थी, अब कम से कम ऊपर तो बैठी हुई है। तो अभी जल्दी से इस अंडे को तो फिलहाल साइड पे रखते हैं, और उसके बाद जो है ना इनको देखें लाडियाँ हो रही हैं, वजीज़ वगैरह को फीड करते हैं। वो सामने एक बजी ने दीवार में सुराख किया हुआ है और रोज़ उसमें से मिट्टी निकाल के ना वो बाहर फेंक रहा है, तो उसका दिल है कि वो वहाँ पे ब्रीडिंग करे। तो अभी फीड वगैरह इनके पानी शानी चेंज करेंगे आज, और सारी फीड वगैरह डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। बाकी कबूतर जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और इंशाल्लाह
मेरा प्रोग्राम है कि इन कबूतरों के जो है ना बाकी भी सरप्राइजेज काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको इंशाल्लाह आगे मिलेंगे। एक सरप्राइज़ आपने मुझे ये बताना है कि हमारी डक आपको कैसी लगी, देखें क्या फ्लाइंग कर रहे हैं। और ये डक जो है सबको डरा रही है और रैबिट भी बहुत डरते हैं, इसे कल रैबिट भी बहुत डर रहे थे। आ जाओ आ जाओ ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी शुगल मेला लगा करेगा क्योंकि ये डक जो है ना ये अटैक करती हैं अपने दूसरे परिंदों के ऊपर। कल जब मैं लेके आया तो खरगोश भी बहुत ज्यादा डर रहे थे इससे, अभी कबूतर भी डर रहे हैं। फातिमा आपको भी डर लग रहा है? तो फ्रेंड्स अभी जो है इसको मैं रैबिट को खोल रहा हूँ, रैबिट भी बाहर आ गया, अब देखते हैं डक क्या करती है। पानी पी रहे हैं सामने, ये मैंने इनके सामने रखा है बर्तन में, चेक कर रहा हूँ कि ये क्या चीज़ खाते हैं। और देखें माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये खा रही हैं। तो आज इनके ऊपर जो है ना मेरी रिसर्च है सारी कि इनको क्या चीज़ पसंद है और क्या ये ज़्यादा खाती हैं। तो देखें ये काफ़ी अच्छे तरीके से खा रहे हैं, एक दफ़ा थोड़ा सा ये खा लें तो ये बाकी जो है ना मैं तोतों को डालूँगा। ये कंगनी है और ये कंगनी मैंने डाली है, अभी थोड़ी सी कबूतरों को भी डालते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ कि पिजन जो है ना वो मेरे हाथ से खा ले, तो मुझे लगता है ये आ भी जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डरेगा नहीं। आप जो इसमें ना इसको वॉश करो, वॉश करके इसमें पानी डाल के लाओ। पानी में तो बच्चे वो वाला ले जाओ, वो ले जाओ, ये तो खाने वाला खाना है। फ्रेंड किंग पिजन आएगा, मुझे लगता है ये आएगा और ये खाएगा भी। आ आ आ जी फ्रेंड, तो आप मुझे बताएं कि आपको मेरी डक्स जो हैं वो कैसी लगी और मेरा सेटअप जो है आपको कैसा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो बहुत अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं अब, और मेरी डक ने जो है ना अंडा भी दे दिया है। और इंशाल्लाह कमिंग डेज में जब ये बिल्कुल अंडे ख़त्म कर देगी तो हम या इसको ही बिठा देंगे या फिर जो हम करेंगे ऐसा कुछ के इंक्यूबेटर वगैरह में रख देंगे। तो आज जो है ना मैं एक पेटी भी लेके आऊँगा जो इसके अंदर घास डाल के रखेंगे ताकि अगले अंडे जो है ना मज़ीद सारे ये उसके अंदर दे और वो गीले ना हो। रात को बारिश थी और इसने अंडा दे दिया और वो थोड़ा पानी भी नमी भी लग गया, तो नमी लग जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें से बच्चा निकलता है। तो ये भी एक्सपर्ट्स मुझे बताएं कि नमी के साथ अंडे की फर्टाइल होने का क्या चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में मज़ीद अपडेट देते रहेंगे। और अगले व्लॉग आने वाले जो दिन हैं बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ हैं, और मैं जो है ना अपने सेटअप में और भी इजाफा कर रहा हूँ तो वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे व्यूअर्स, आप लोगों की हौसला अफजाई से ही मैं जो है ना मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।